शादी ब्याह हो या फिर त्योहार हो, हम महिलाओं को लगता है कि हम कुछ स्पेशल दिखें, कुछ अलग दिखें। उसमें भी डिजाइन, फैशन और फिर हमारा बजट, तीनों को हम कंपनसेट करना चाहते हैं। तो हम इस डिजाइन को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ कल्पना क्रिएशंस के कल्पना जी हैं। कल्पना जी नमस्ते, आपका स्वागत है हेलो गुजरात में। नमस्ते। आप ये बताइए कि कल्पना क्रिएशन है वो और बुटीक से और डिजाइनर स्टूडियो से कैसे अलग होता है? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि फैशन उसके हाईएस्ट पिक पे है अभी। अभी फैशन को लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है इससे पहले इतने हाइट पे कभी थी। और इसी वजह से और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के पास काफी ऑप्शंस हैं, तो उसमें सबको अलग दिखना तो है, लेकिन उसमें सबका बजट अपना अपना है। तो अपने बजट के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से जो कॉस्ट्यूम बनाने हैं, उनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना, वो हमारा गोल है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये डिजाइन है, ठीक है, अब ये डिजाइन है वो जो तैयार हो रही है और वो डिजाइन किसी को पसंद है पर वो इतना बजट नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको कुछ इसमें चेंजेस करिए, तो आप कैसे वर्कआउट करते हैं? उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, काफी चीजें टेक्निकली इसमें होती है कि जैसे ये बहुत इंट्रिकेट वर्क है और इसलिए उसका बजट थोड़ा ज्यादा ज्यादा है। है, जैसे इसका फ्लेयर भी ज्यादा है, ये एक चनिया है तो चनिए का ये फ्लेयर बहुत ही ज्यादा दिया है हमने, तो हमको उसको थोड़ा कम बजट में लाना है, तो हम उसका फ्लेयर कम कर सकते हैं। जनरली पीपल मतलब ऐसे उनको मालूम नहीं होता है कि ये मैंने देखा था तो इतने बजट में था और इतने में था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ये उनको उस टाइम पे नहीं मालूम होता है कि इसका इतना फ्लेयर होगा इसलिए कम काम होगा तो कम बजट होगा, ये सब नहीं होता। तो हम उनको वो सब एक्चुअली उससे एक्नोलेज करते हैं कि उनको बताते हैं कि ये चीजें होती है, फिर उसके हिसाब से उनके बजट के हिसाब से सेटिंग करते हैं कि चलो फ्लेयर कम कर दिया या थोड़ा वर्क खुला कर दिया या उस ढंग से वर्कमैनशिप थोड़ा बदल के करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी को कलर में, जैसे ये ग्रीन कलर है, ग्रीन पसंद नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो फिर आप उसको कैसे समझाते हैं और कैसे उनकी बात को, उनकी थॉट प्रोसेस को आप उनकी डिजाइन्स में फलीभूत करते एक्चुअली हैं? उसके हिसाब उसके लिए हम लोग अगर शेड की बात है तो हम लोग उनको शेड कार्ड दिखाते हैं। शेड कार्ड में से उनको कोई शेड पसंद आते हैं उसमें भी अगर वो बोलते हैं ये सही है लेकिन इससे थोड़ा सा हल्का, तो व्हाट वी डू मतलब हम लोग ये करते हैं कि वो डाइंग प्रोसेस से हम उसको पहले एक सैंपल दिखाते ओह हैं। वंडरफुल, हाँ वो सैंपल पहले दिखाते हैं, इफ मतलब वो उससे सहमत है कि नहीं ये सही शेड है तो फिर उसे फॉलो करते हैं, अगर वो सही नहीं है तो दूसरा सैंपल निकालते हैं, फिर उस पे उनका जो वर्क का मतलब उनकी जो चॉइस है वही सेम वर्क सैंपल सैंपल के बतौर उनको दिखाते हैं, और फिर वो अगर उनको सही समझ में आता है तो फिर वी फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, ऐसे होता है। कई बार आप लोग एनआरआई क्लाइंट से भी डील करते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से क्लाइंट है, वो क्लाइंट आपके साथ डिजाइनिंग प्रोसेस में है, तो फिर आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? अगर यही बात आपको उनको ऑनलाइन समझानी है तो कैसे समझाएंगे? हाँ ऑनलाइन जब समझाने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग वीडियो कॉलिंग प्रेफर करते हैं, फेस टू फेस टॉक करते हैं। उसमें उन लोगों ने भी कुछ चीजें सर्च करके की होती है जिसमें से वो बताते हैं उनको ये चाहिए ये चाहिए, तो उसके हिसाब के जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं वो हम दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर बजट का आता है, तो फिर हम लोग बजट में ये वर्क आएगा ये नहीं आएगा उन उसकी बात करते हैं, और उसमें भी वही फॉलो द सेम प्रोसेस कि उनको शेड भी हम या इधर उनका रिलेटिव आके शेड देख के जाता है, ये भी एक प्रोसेस है, तो वो रिलेटिव शेड देख के ओके करते हैं या फिर हम फिर से उनको वीडियो कॉलिंग पे शेड दिखाते हैं, वर्कमैनशिप दिखाते हैं, मतलब पूरा फॉलोअप ऐसे लेते हैं कि एवरी स्टेप पे उनको ये पता चलता है कि या हियर वी आर दिस इज द स्टेटस, हम लोग यहाँ पे हैं और ये सही जा रहा है। तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कल्पना क्रिएशंस के खजाने में क्या क्या नए डिजाइन्स है, क्या क्या नए क्रिएशंस किए हैं? क्रिएशंस मतलब कॉस्ट्यूम्स वाइज बोल या रहे हो? कॉस्ट्यूम हाँ वाइज? कॉस्ट्यूम वाइज अभी हाईएस्ट चल रहे हैं इंडो वेस्टर्न गाउन्स और चनिया चोलीस, और अगर उसमें भी हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो गाउन के अंदर 50
प्योर सिल्क, गजी सिल्क ऐसे फैब्रिक्स के ऊपर रिसेप्शन के लिए गाउन्स है। इंडो वेस्टर्न में क्रॉप टॉप और स्कर्ट्स वगैरह चलता है। फिर थोड़ा लम मतलब डिफरेंट कट्स के श्रग्स और उसके साथ अंदर स्कर्ट और टॉप ऐसे चलते हैं। फिर चनिया चोली वगैरह में अभी एक पेपलम स्टाइल निकला है, तो वो लॉन्ग ब्लाउजेस वी कॉल, उसमें अभी लॉन्ग स्लीव्स भी चलती हैं, बोट नेक भी चलते हैं, ऐसे सब अलग अलग डिजाइन चलते हैं। आप तक किसी को पहुंचना है तो किस नंबर्स पे आपके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे मेन दो नंबर्स हैं, उसमें भी फर्स्ट नंबर है 9724132749 और दूसरा एक नंबर है 7490022779। और आपकी वेबसाइट www.kalpnacreations.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।